गौतम थोड़ा सा रुपये उठाओ। बस मित्रों सुप्रभात नमस्कार। आज आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद लाइव के माध्यम से मुलाकात होने का अवसर मिला और ये अवसर आप सबके प्रेम के कारण, आप सबके आशीर्वाद के कारण और ईश्वर की कृपा के कारण मिला। काफ़ी दिनों बाद आज कुछ बेहतर परिस्थिति का अनुभव हो रहा है और आप लोगों को लाइव के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होकर ये बताने का काम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका अपना भाई अभी सुरक्षित है और किसी भी तरह से डरने, संकोच करने व भयभीत होने किसी भी तरह से की संभावनाओं से बचने से इनकार इस घटना के पीछे से नहीं किया जा सकता। फिलहाल आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सजग रहें और अपने कर्तव्यों के प्रति निश्चय मन के साथ सही दिशा में अपने कार्यों को संपादित करते हुए समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास बिना किसी भय व डर के करते रहें। आप लोगों को पता होगा कि विगत 29 जून को मेरे साथ मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ और उस हमले में आप लोगों के प्रेम सहयोग आशीर्वाद से और ईश्वर की असीम कृपा से मेरी जान जाते जाते बची किसी तरह। और ये जो हमले की बात है हमारा हमेशा से राजनीति के अपराधीकरण या अपराध जगत का राजनीतिकरण, इन्हीं दोनों मुद्दों पर हमारे ऊपर हमला जो हुआ, अप्रत्याशित हमला हुआ, वो डिपेंड करता है। कुछ राजनीतिज्ञों की पोल खोलने पर उनके द्वारा संरक्षित किए जा रहे अपराध जगत के कुछ अपराधी तत्वों का उपयोग करके जहाँ पर कहने सुनने के लिए देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले कलमकारों को भी सड़क पर जानवरों की तरह पीटने का काम करवाया जाता रहा हो,
और नाम लेने पर सीधे ये कह के विमुख हो जाना कि ये हमारा, इनको कोई पहचान नहीं है, हम इनको जानते नहीं हैं, या उस घटना से हमारा कोई अमुक संबंध नहीं है, इस घटना का इनका किसी और से विवाद से नाता रहा होगा, ये सब सत्ता में जब अपराधीकरण का प्रवेश होता है तो ये सब तर्क और कुतर्क चलते रहते हैं। लेकिन इन विभिन्न उहापोह भरी स्थितियों में भी जो कलमकार अपनी कलम को चलाने से पीछे नहीं हटता, वो मुगल शासकों के सैनिकों से भी बढ़कर ताकत अपने आप में रखने की क्षमता रखता है। ये इन अंगूठा टेक नेताओं को ये नहीं पता कि जिस अंगूठा टेक अपराधियों का सहारा लेकर ये IAS और IPS जैसे बुद्धिजीवियों का प्रयोग कर अपनी इच्छा अनुसार सही को गलत और गलत को सही साबित करवाने का काम किया करते हैं, वैसी स्थिति में अगर एक कलमकार सही को सही दिखाने पर लग जाए तो अकबर की सेना भी उस कलम की ताकत के आगे कमजोर पड़ जाएगी और उसका नतीजा देखने को मिल भी रहा है। मात्र दो घटनाओं पर ये हमारे ऊपर हमला साजिश हुआ। एक तो माया ब्लॉक में BDC सदस्यों को पकड़ने हेतु माननीय के एक गुर्गे के द्वारा की जा रही BDC सदस्यों की धरपकड़ व मारपीट के संबंध में खबर छापी गई थी, और उसी के बाद सत्ता पक्ष के ही पूरा ब्लॉक प्रमुख के दावेदार शिवेन सिंह, उनकी माताजी उषा सिंह जिला पंचायत सदस्य, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके साथ किए जा रहे अन्याय में सत्ता पक्ष के द्वारा ही कथित लोकल नेताओं के द्वारा किए जा रहे अन्याय के समर्थन में खबर छापी गई थी। इन्हीं दो खबरों को संज्ञान में लेकर जो हमारे ऊपर हमले का प्रयास किया गया और जो हमला जानलेवा हमला हुआ, निश्चित ही ये मोदी जी के लोकतंत्र पर और योगी जी के गुंडाराज पर ये एक करारा तमाचा है। मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र स्थापित है, योगी जी कहते हैं गुंडाराज मुक्त है, और इन दोनों में यही देखने को मिला कि मोदी जी का लोकतंत्र भी सड़क पर पीटा जा रहा है और योगी जी का गुंडाराज सड़क पर चिल्ला रहा है किसमें ताकत है जो मुझसे टकराएगा। लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती है, और ये हमारे द्वारा बहुत ही बेबाक तरीके से बहुत ही पहले से लिखा जाता चला आ रहा है कि किसी भी देश की सत्ता धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, संवर्ग विभिन्न संवर्गों में विभाजित कर नहीं चलाई जा सकती। किसी भी देश को सुसज्जित रूप से चलाने के लिए
संविधान की आवश्यकता होती है। देश संविधान से चलता है, देश नीतियों से चलता है, देश इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसी से चलता है, देश डेवलपमेंटल पॉलिसी से चलता है, देश इकोनॉमिक ग्रोथ से चलता है, देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से चलता है। और ये हमारे द्वारा पहले से भी कहा जाता रहा है कि कट्टरवाद चाहे जिस भी धर्म का हो, पहली चीज़ कि किसी भी धर्म में कट्टरवाद की कोई जगह नहीं होती, किसी भी धर्म में। इन धर्मों में कट्टरवाद का प्रवेश राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं के द्वारा अपने वोट प्राप्त के हित को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कट्टरवाद का समावेश धर्म में कराया जाता है जानबूझकर, जिससे वो अपने निहित स्वार्थ को जनता के माध्यम से धर्म का प्रयोग करके आसानी से पूरा कर सकें। मात्र एक उद्देश्य था, किसी भी धर्म में कट्टरवाद का कोई स्थान नहीं होता और किसी भी देश का संचालन संविधान से होता है। जो भी पॉलिसीज हमने अभी पहले पॉइंट आपको गिनाई उनसे होता है, ना कि हिंदू मुस्लिम से, जात से, जातिवाद से, राजनीति के अपराधीकरण से, अपराधियों का राजनीतिकरण से। एक प्रमुख चीज हमने और आपके समक्ष प्रस्तुत किया था अपने ऊपर हुए हमले से पहले, और वो चीज़ थी कि जब कलम पर पहरा बैठा दिया जाए, चौथे स्तंभ पर पहरा बैठा दिया जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि सत्ता का विनाश सुनिश्चित है। सत्ता डर चुकी है, अब उसके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय दमनात्मक कार्रवाई का प्रयोग करने की। हमला हुआ, तहरीर हुई 29, आज हो गई कितनी तारीख है गौतम? आज 8 तारीख होने को जा रही है। अभी तक बीच शहर में एक पत्रकार के ऊपर प्राणघातक हमले में, जिसका गाड़ी नंबर तक उपलब्ध करा दिया गया, कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। प्रशासन आश्वासन पे आश्वासन देता जा रहा है कि बचेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। यह है मोदी जी आपका लोकतंत्र, यह है योगी जी आपके गुंडा राज की समाप्ति। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में वाकई लोकतंत्र और चौथे स्तंभ की बात होती है, चौथे स्तंभ के नुमाइंदों के सुरक्षा व्यवस्था की बात, सम्मान की बात होती है, दावा किया जाता है, जैसा कि योगी जी हर महीने एक पॉइंट मीडिया में छोड़ देते हैं, पत्रकारों के ऊपर किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, पत्रकारों के साथ की गई कोई भी अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी, आदि आदि। मोदी जी दावा करते हैं लोकतंत्र कायम है। आप अगर देश के चौथे स्तंभ और लोकतंत्र
को चौराहे पर टंगवा कर आत्महत्या करने को मजबूर नहीं करते हैं अगर इसको नहीं कायम करते हुए ऐसा दावा करते हैं। आप सरकार हैं, ये सभी जानते हैं कि जो आप कहेंगे वही कानून बनेगा, जो आप कहेंगे वही ब्रह्मवाक्य बनेगा, जो आप करेंगे वही यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन आपको भी कहने, सोचने और समझने में इस कदर आंख नहीं बंद कर लेनी चाहिए कि दूसरा बिना कुछ कहे, सोचे और समझे ही दूसरे का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाए। पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार और आप ही के शासन के विधायकों के इशारे पर, गुंडों के इशारे पर, बीच सड़क पर, बीच शहर में, अगर होने के बाद भी, प्रशासन को सूचित करने के बाद भी, आज लगभग 9 दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, तो महोदय आपको अपनी सत्ता में किए गए वादों वाले बिंदुओं पर, जो कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में दिए गए थे, उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसी के साथ आपकी, आप सबको, आपके सबके समझ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। गौतम फिनिश करो लास्ट।